वॉन्स देख लेनी है आपने कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 कॉन्स हैं। पाकिस्तान में ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो थ्रेटिकल होता है और सेकंड स्टेप प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए हम अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किन टेक्निक्स के साथ आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गाड़ी में बैठते साथ ही सीट की एडजस्टमेंट करनी है, चाहे अपनी गाड़ी है चाहे उनकी गाड़ी है। उसके बाद आपने मिरर्स की सेटिंग करनी है, ऐसे सेटिंग करनी है कि आपका फ्रंट डोर का हैंडल और बैक डोर कंप्लीट नजर आना चाहिए। और हम पे टायर आ गया हमारा। अब इसके बाद हमने ये स्टेयरिंग थोड़ा सा कर्व में था, अभी यहाँ से हमने फुल कर्व में कर लेना है। यहाँ पे इसको हमने तब तक सीधा नहीं करना जब तक हमें लेफ्ट मिरर से दूसरी कॉन्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं नजर आती। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसान ड्राइविंग स्कूल। टुडे वी टीच यू हाउ टू पास योर ड्राइविंग टेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो थ्रेटिकल होता है और सेकंड स्टेप प्रैक्टिकल होता है। थ्रेटिकल में रोड सेंस रोड साइंस आते हैं, विद इन सिटी आपने कैसे ड्राइव करना है और आपने नॉर्दर्न एरियाज में हाईवेज पे आपकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, आपने कहाँ पे कैसे गाड़ी ड्राइव करना है, ये सारा सिनेरियो थ्रेटिकल में आता है। बट टुडे वी टीच यू आ प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट कि आपने प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास करना है। प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए हम अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किन टेक्निक्स के साथ आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि कितनी कॉन्स स्ट्रेट है। जहाँ से स्ट्रेट कॉन लास्ट वाली टर्न हो रही होगी वहाँ पे अपना बैक गाड़ी का टायर ला के आपने स्टेयरिंग को फुल टर्न करना है। कॉन्स देख लेनी है आपने कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 कॉन्स हैं, तो हमारे ये 5 कॉन्स से हमने एल शेप टर्निंग पॉइंट रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं, जैसे लाइक मैं ये कार पे जा रहा हूँ, आपने इसके साथ साथ से आना है और यहाँ से आके आपने जैसे ही आपका टायर यहाँ पे आएगा बैक टायर, वैसे ही आपने अपनी गाड़ी फुल टर्न कर लेना है। फुल टर्न करना है आपने। तो जब तक ये वाली कॉन्स आपको स्ट्रेट नहीं नज़र आती तब तक आपने स्टेयरिंग सीधा नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं सीधा करना, क्योंकि आपकी कॉन्स उधर जो पड़ी हुई हैं वो आपको नहीं नज़र आएंगी अगर आप स्टेयरिंग सीधा कर लेंगे, और ये जब कॉन पे हिट होता है आपका ड्राइविंग टेस्ट फेल हो जाता है। बहुत अच्छी टेक्निक और बहुत इजी टेक्निक है कि आप अपनी गाड़ी को इस कॉन से फुल टर्न करें और तब तक सीधा नहीं करना जब तक के दूसरी साइड की कॉन्स आपको नज़र ना आ जाए। सेकेंड स्टेप इसका ये है कि आपने मिरर्स को कैसे यूज़ करना है। मिरर्स को यूज़ करके आपको गाड़ी के अंदर भी दिखाएंगे, वैसे भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि मिरर्स को जो इस्तेमाल करना है वो दोनों को नहीं करना, आपने राइट साइड का अपना मिरर को इस्तेमाल करना है। एक साइड से जैसे ही आप गाड़ी निकालेंगे तो दूसरी साइड से आपकी ऑटोमेटिक तरीके से गाड़ी निकल जाएगी। तो बहुत इजी स्टेप्स हैं, अभी आपको करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे ड्राइविंग टेस्ट जो है वो पास होता है। इवन के लोग गलती कर लेते हैं कि जल्दबाजी में जाते हैं, यार मुझे गाड़ी आती है चलानी, मैं तो पास कर लूँगा, मैंने तो UAE का लाइसेंस है, मेरा पास सऊदीया का लाइसेंस है, मैंने 3 दिन ड्राइविंग की है। बट ऐसा नहीं है, ये एक टेक्निकल चीज़ है जिससे आप पाकिस्तान का ड्राइविंग टेस्ट वो पास कर सकते हैं और आपको एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आप ऑथराइज हो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अब आप ड्राइव कर सकते हैं। ये हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे आप वो पास करना है अपना एल शेप। सबसे पहले आपने गाड़ी में बैठते साथ ही सीट की एडजस्टमेंट करनी है, चाहे अपनी गाड़ी है चाहे उनकी गाड़ी है। उसके बाद आपने मिरर्स की सेटिंग करनी है, ऐसे सेटिंग करनी है कि आपका फ्रंट डोर का हैंडल और बैक डोर कंप्लीट नज़र आना चाहिए और आपको राइट साइड से और लेफ्ट साइड से कॉन्स प्रॉपरली नज़र आनी चाहिए। मिरर अगर आपके सेट हो गए हैं, सबसे पहले आपने अल्लाह का नाम लेना है और उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना अपना ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपने कॉन्स के राइट साइड पर मिरर यूज़ करते करते एक ही मिरर यूज़ करना है और राइट वाला मिरर यूज़ करते करते आपने ये कॉन्स के साथ साथ जाना है। जैसे ही आप साथ साथ जाते रहेंगे ये फर्स्ट कॉन, सेकंड कॉन,
थर्ड, फोर्थ और हमारी जो है वो फिफ्थ कॉन है। फिफ्थ कॉन, जैसे ही हमें फिफ्थ कॉन तक हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मैं फिफ्थ कॉन पे आ चुका हूँ और यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है। यहाँ पे आके आपने ये टायर आ गया मेरा लास्ट कॉन पे, इस कॉन पे टायर आ गया हमारा। अब इसके बाद हमने ये स्टेयरिंग थोड़ा सा कर्व में था, अभी यहाँ से हमने फुल कर्व में कर लेना है। यहाँ पे इसको हमने तब तक सीधा नहीं करना जब तक हमें लेफ्ट मिरर से दूसरी कॉन्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं नज़र आती। जैसे ही आपने जो लेफ्ट साइड पे आपको ऐसे कॉन्स स्ट्रेट नज़र आ जाती हैं तो आपने अपना स्टेयरिंग स्ट्रेट कर लेना है फ़ौरन से पहले। ऐसे आपने अपने स्टेयरिंग को स्ट्रेट कर लेना है ताकि दूसरी साइड से गाड़ी बाहर ना निकले और ऐसे आप इजी स्टेप से ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे। फ्रंट जाना है आपने तो आप स्ट्रेट जाएंगे, ये आप स्ट्रेट गए और यहाँ से आपने टर्न कर लेना है। यहाँ से टर्न करना है आपने, ऐसे टर्न कर लेना है। ये स्ट्रेट वाला आपका पास हो गया। ये जैसे ही कॉन्स 1, 2, 3, 4 और जैसे कि ये हमारी लास्ट कॉन है, यहाँ पे आपने स्टेयरिंग को फुल टर्न कर लेना है और तब तक आपने स्ट्रेट नहीं करना जब तक सेकंड वहाँ से आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी नहीं हो जाती। ठीक है,